ठीक है, हेलो। लेट्स स्टार्ट हाइब्रिड एनालिसिस वीकली रिपोर्ट 3 दिसंबर 23। विवेक प्लीज प्रेजेंट। यस सर। तो इस बार वैसे मेरे दो स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी मैं लाइव में ले चुका हूँ, लेकिन अभी भी इसमें एंट्री है। तो मैंने एंट्री इनमें ली थी 13 अक्टूबर को ली थी, दोनों में, टाटा मोटर्स और टाटा पावर में। और टारगेट 1 और टारगेट 2 इधर मैंने दे रखा है, स्टॉप लॉस भी है साथ में। और चार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो टाटा मोटर्स में मंथली चार्ट में अच्छा दिख रहा है हमको, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और उसमें T1 और ये T2 है। और टाटा पावर में हम देखते हैं, तो टाटा पावर में पहला टारगेट 380 का है, दूसरा 495 का है। दोनों है बाकी बाकी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है ये, अभी दिखाऊंगा, थोड़ा टाइम चला जाएगा उसमें ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फंडामेंटल ठीक है, और फंडामेंटली क्या ओवरऑल ग्रोथ कैसे चल रहा है? से। ओवरऑल अभी इतना चल रहा है इसमें, अब तक का जो हाइब्रिड का था, हाँ 32 स्टॉक्स है और 21% ऑलमोस्ट चल रहा है। ग्रोथ है, स्टॉक और अल्गो बाकी चीजों का भी कॉम्बिनेशन भी चल रहा है, तो हाँ, इसमें इसमें कई कई सारे, तो जैसे टारगेट हिट हो गया, एग्जिट हो गया, कई उस तरह से भी हो चुके हैं। यस सर। तो ये चल रहा है हमारा 23rd जुलाई से, जुलाई से चल रहा है। जो पहला हमारा हाइब्रिड स्टार्ट हुआ था उस दिन से। यस ठीक है, सो अराउंड 21 सर। 21% का ग्रोथ अभी चल रहा है ना? ठीक है, परफेक्ट। यस सर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक ओके सर। हाँ, सोहम गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये दो स्टॉक्स हैं, पटेल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेट। पटेल लॉजिस्टिक्स में 19 को एंट्री होगी 19 के क्लोजिंग के बाद। टारगेट 1 होगा 21, 23 और स्टॉप लॉस 60। छोटा टारगेट है और छोटा स्टॉप लॉस के साथ। ये उसका चार्ट है, इसके क्लोजिंग के बाद ही हम एंट्री करेंगे। ऑल टाइम हाई पे हम छोड़ देंगे एक बार, या फिर हाफ क्वांटिटी छोड़ेंगे, उसके बाद अल्टीमेट टारगेट है 23 23। दूसरा जेनेसिस है, इसमें 420 पे एंट्री और 515 पे एग्जिट करेंगे, कोई सेकंड टारगेट नहीं है। ये थोड़ा कप एंड हैंडल है और ओवरऑल ग्रोथ में ये सारे स्टॉक्स मैंने ले रखे हैं। ये 40.1% अभी बैठ रहा है ग्रैन्यूल्स को बुक करने के बाद। सॉरी सर, हाँ 20 फंड पे इतना हो चुका है। और सर जोरदार लग रहा है। सॉरी ओके गुड, कीप इट अप।
ओके सर, थैंक यू। यस सर। सर विजिबल? हाँ विजिबल। हेलो एवरीवन, सर मेरा इस बार का RCF का स्टॉक है जिसमें मैंने ऑलरेडी एंट्री ले चुकी हूँ, और मैं मतलब फर्स्ट दिसंबर को मैंने उसमें और क्वांटिटी ऐड की है, जिसकी मेरी एंट्री प्राइस है 131.5, टारगेट 135, जो मेरा फर्स्ट का जो सेकंड टारगेट है वो मैंने ऐड ऑन करके 135 का सेकंड में लिया है जिसका चार्ज। विवेक सबका नोट करना, बाकी हम उसको डिस्कस करेंगे जैसे सभी का सबका हो रहा है तो इट विल बी एक एक्टिविटी, ठीक है विवेक? ये इसका चार्ट है सर, इसी सपोर्ट पे मैंने इसमें एंट्री ली हुई थी फर्स्ट वाली 127 के आसपास, जिसका फर्स्ट टारगेट आ गया था, फिर उसमें मैंने एड ऑन किया है और भी, और यहाँ तक का मेरा सेकंड टारगेट है, और ये हाँ, और सर अगले का जो मेरा है उसमें मैंने एक दो मेरा एग्जिट हो गया है, और ओवरऑल मेरा अभी तक का जो सर इतने में मेरा चल रहा है, जो मेरा प्रॉफिट आ गया था मैंने एक दो में निकाल दिया, और अभी जो मेरा लाइव पोर्टफोलियो में जो चल रहा है वो ये है सर, ये जो कंटिन्यू चल रहे हैं मेरे। ओके, ओवरऑल ग्रोथ क्या है पूरा फंड के ऊपर, ओवरऑल ग्रोथ? यस सर, सर मेरा दोनों में अलग अलग है, जैसे मेरा सेफ खान में सर 27% का अराउंड है, और IFL में 10% का अराउंड है। ओके, दोनों अलग अलग करके रखा है ना? हाँ सर। आप सभी लोगों खाली टू द पॉइंट डिस्कस करना है, पूरा बहुत बड़ा लॉजिक अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, और ड्यूरिंग सेशन हम डिस्कस करेंगे। भाई की जी, हाँ भाई जी बोल। सर मेरे दो स्टॉक है NCC और GICRE, उसमें सर मेरे एंट्री बननी बाकी है, अभी प्लान है 170 पे प्लान है, 165 चल रहा है वो, और इस वो भी GICRE में करंट मार्केट प्राइस से मिलेगा, वहीं की एंट्री बन सकती है हमारी। NCC का चार्ट है सर, इसके ब्रेकआउट पे ही हम ले सकते हैं एंट्री का, और GICRE में सर फ्लैग पैटर्न है, इसमें एंट्री बनी सकती है अभी, रिटेस्ट पे है अभी। और ऑल ओवर सर 21 स्टॉक में से 19 प्रॉफिट में और दो में एसएलएट हुआ है सर, ऑल ओवर गेन में मेरा सर एंट्री डालनी बाकी, इसलिए समथिंग 25% से ज्यादा है ओवर ओवर गेन। ठीक है, तो इसको मेंटेन करो, बट थोड़ा लेट आपने चालू किया है, बट इसको कहते हैं ना, फिर भी सही है। वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, जो जो आप एंट्री कर रहे हो ले रहे हो उसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके देखो, और साथ साथ में रिकॉर्ड भी बनाए रखो। ठीक है, वेरी गुड। सो नेक्स्ट है श्रेया। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ स्क्रीन आ गया। सर मेरे इस वीक के लिए दो स्टॉक्स हैं, एक M&M और एक दूसरा ITC। M&M पे एंट्री बन रही है 1625 पे, और उसका एक ही टारगेट रखा है मैंने 1670। ITC पे 440 पे एंट्री है, टारगेट 1458 और टारगेट 2470। उसका चार्ट ITC में एक डबल बॉटम बना है, और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन में भी ब्रेकआउट हुआ है,
इसका मैं रीटेस्ट पे वेट करूंगी, रीटेस्ट के बाद ही एंट्री करूंगी। दूसरा है एमएनएम में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हो चुका है और रीटेस्ट चल रहा है, तो उस पर मेरी एंट्री बनेगी और उसका छोटा सा टारगेट ही रखा है 1670 का। ओवरऑल ग्रोथ सर मैंने परसिस्टेंट में 3.45% बुक किया था और इस पे 10%। ओके, तो बाकी ठीक चल रहा है ना? हाँ सर। होपफुली इलेक्शन के रिजल्ट में सभी लोगों का कल थोड़ा ग्रोथ मिलने का चांस रहेगा। और हाँ सर। हाँ पता है, नहीं पता है इलेक्शन का? हाँ सर। चलो जो, और कब वापस कब आ रहे हो, जॉइन कर रहे हो? सर वो टिकट्स पे थोड़ा इशू हो रहा है तो नेक्स्ट वीक मतलब पूरा ट्राई कर रही हूँ। सर मेरे दो स्टॉक है, एक ग्लेनमार्क और एक आईटीसी। ग्लेनमार्क में ये पैटर्न बन रहा है यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट पे, और अगर रीटेस्ट मिलता है तो यहाँ पे एंट्री लेनी है। फर्स्ट टारगेट ये है और सेकंड टारगेट ये है, और सेकंड आईटीसी है यहाँ पे, इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेनी है, और फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, सेकंड टारगेट यहाँ पे है। नहीं सर, पहले से चालू था। हाँ, सो ओवरऑल 8% का है प्रॉफिट। 8% का है प्रॉफिट, वेरी गुड। ठीक है, चलो यस सर, मिले और होपफुली कल पॉजिटिव मार्केट खुलने के बाद और बढ़ जाएगा, है ना? ज्यादा यस, लेट्स सी। क्या आपके गला में खराश सर्दी जुकाम पकड़ लिया? नहीं सर। ओके, चलो आवाज ही ऐसी है। चलो चलो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट केवर, केवर के बाद अबीद, फिर ब्रिसब, और ब्रिसब के बाद जो भी अवेलेबल होंगे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सर विजिबल है? हाँ विजिबल है। हाँ मैंने सर इंफोसिस और सन फार्मा में लिया हुआ था, तो ये दोनों मेरा अभी तो ओपन पोजीशन है। इंफोसिस का रहा, टारगेट 2 तो हिट हो गया, बट मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा, और सन फार्मा के अंदर पे ऐसा ही है, कप्पा हैंडल बना था तो मैंने इधर टारगेट हिट हो रहा है बट अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ। और दूसरा था मेरा टाटा पावर, उसमें मेरा टारगेट 2 हिट हुआ था बट मैंने वो पोजिशन एग्जिट कर लिया, बट फिर से मैं इसके अंदर एंटर करूँगा, अच्छा खासा मूवमेंट मिला था। और उसके साथ मैंने पेपर ट्रेड में रिलायंस और एच लिया था, तो उसकी पोजिशन भी इसका भी अच्छा खासा चल रहा था। और ओवरऑल मेरा ओवरऑल ग्रोथ मेरा 3% का राउंड चल रहा है कैपिटल पे। 3%, 3.8। हाँ एग्जिट अभी तो ये ऊपर नहीं, बट एग्जिट करूंगा तो इतना आएगा, तो राउंड चल रहा है। चलो ठीक है, तो आप बोथ पेपर मोड एंड लाइन मोड दोनों चल रहे हो, है ना? हाँ वो पेपर वाला गिना नहीं, मतलब ओवरऑल में। हाँ नहीं नहीं ठीक है, ओवरऑल गिना नहीं। हाँ। बट देखो अभी सभी लोगों के लिए अच्छी बात है, मान लो आपको फंड अवेलेबल नहीं है सो यू कैन गो विद पेपर ट्रेडिंग आल्सो, बट हम जो भी हाइब्रिड में डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो दैट इज ऑल लाइव फंड, ये लाइव फंड के ऊपर। ओके ओके, है ना? सो वेरी गुड, कीप इट अप। अभी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। या सर, तो सर इस वीक में ये दो स्टॉक्स में कर रहा हूँ एंट्री, तो ये आरटी फार्मा लास्ट वीक में था पर मेरे को सर वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, तो इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो उसके दो जो ग्राफ है ऐसे है, ये जो होम फर्स्ट है पहला मेरा स्टॉक, तो उसने अभी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, कन्फर्मेशन एंट्री लूंगा, और मेरा टारगेट 1950 और टारगेट 2 1000 के साथ में यहाँ पे करूँगा। और दूसरा स्टॉक है सर जो आरती फार्मा, जो लास्ट टाइम मेरे को नहीं मिली थी,
तो यहाँ पे भी उसने अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे भी मैं एक एंट्री लूंगा। इसमें एक ही टारगेट रखूंगा 460 के अराउंड। तो ये दो स्टॉक है, बाकी ओवरऑल सर मेरा 4-4.5% का मतलब चल रहा है प्रॉफिट। अच्छा, 4.5% का प्रॉफिट चल रहा है। जी सर, थैंक्स। ब्रिशप के बाद और कोई है तो आप वो प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे ब्रिशप के बाद जो लेट ज्वाइन किए। ठीक है, ब्रिशप का रूनी, कल्पेश, जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाँ सर, इस वीक मेरे दो स्टॉक्स है, नेशनल एल्यूमिनियम एक है जिसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिला है, उसके कंफर्मेशन पे मैं ट्रेड लूंगा। उसमें मेरा जो टारगेट 2 है वो अराउंड 9% के आसपास है और स्टॉप लॉस 4% के आसपास है। टारगेट 1:1 4% के आसपास है। फिर दूसरा स्टॉक है टोरेंट फार्मा, जिसमें राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट मिला है, जिसमें सेम मेरा स्टॉप लॉस 5% है, टारगेट 1:1 5% और टारगेट 2:1 10% है। ओके, परफेक्ट। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस 8.24% है। 8.24%, वेरी गुड। बाकी आपका स्ट्रेटजी बिल्डिंग सब चीज चल रहा है, बैक टेस्ट सब कुछ साथ साथ में? हां, बैक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, वेरी गुड। कीप इट अप, वेरी गुड। ओके, इतने तो मैं 20000 और नीचे लिमिट पूरी कर सकते हो? कोई किसी को भी है और किसी को प्रेजेंट करना है? भरत, आपको प्रेजेंट करना है? ध्रुव, भरत, मुदित, नीरव, कोई भी हो तो हम बाकी आगे। कल्पेश, कल्पेश जी को करना है? सर, मैंने जो जी एस डब्ल्यू में यह था, उसमें फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, अभी चल रहा है, और अभी जुपिटर उसमें एंट्री बन रही है, ये है चार्ट। आपने खुद बनाया सब कुछ? हाँ, चलो, वेरी गुड। ओवरऑल 3-4 ट्रेड में कितना अभी चल रहा है आपका? नहीं, दो ही ट्रेड है, वो चल रहा है सर अभी। दो चल रहा है अभी, चल रहा है। हाँ, चलिए ठीक है। नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लान है? ये उसमें ही है, जुपिटर का सर, एंटर नहीं बन रही चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और किसी को है? स्टॉप शेयरिंग कर दो, ऊपर से स्टॉप शेयरिंग। हाँ, और किसी को करना है? ठीक है, सो विल एंड अप दिस हाइब्रिड एनालिसिस रिपोर्ट 3rd December। सो सभी लोगों को पता है, जैसे इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे स्लो एंड स्टेडी। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लर्निंग एक्टिविटी। ठीक है ना? चलिए ठीक है, एवरीबॉडी हैज डन एक्सीलेंट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।